लपन जी, मैं टेक में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एयरसेल ने लगभग लगभग बंद हो गई है और सारे कस्टमर को अपने छोड़ दिया उन्होंने, जैसा कि आरकॉम ने किया था, मतलब बिना यूपीएससी कोड के नेटवर्क गायब हो गया है। तो अब आप यूपीएससी कोड कैसे जनरेट करेंगे? वैसे शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और इस बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर आरकॉम की तरह एयरसेल ने नहीं किया। एयरसेल के कस्टमर सर्विस अभी एक्टिव है, तो लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको अपना मोबाइल नंबर तो चाहिए, प्लस आपको सिम का लास्ट की 5 डिजिट चाहिए। अब आपका सिम अगर पुराना है या फिर आपने सिम को कट कर लिया है तो आपको सिम नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है तो आप सिम नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं सिम नंबर, तो सिम नंबर जैसे आप लिखेंगे यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन लिखेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है बेकार है, हमने काफ़ी सारे यूज किए थे वो सिम नंबर ढूंढ नहीं पाते। पर एक ऐप है यहाँ पर, जैसे सिम कार्ड डिटेल, इसको हमने यूज़ किया था लगभग 3-4 सिम का, हमने सिम नंबर इसी से आसानी से निकाल दिया था, जबकि वो सिम पूरी तरह डैमेज हो गए थे, उनके पीछे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। तो इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओपन कर लेना है इसे। आपको ज़्यादा मेहनत करने जरूरत नहीं है, हम इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लस आपको कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। ताकि आपको यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर आपको 25 नंबर का आपका सिम नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 5 डिजिट ही आपको नोट करनी होगी। अगर आप डुअल सिम फोन है तो आपको दो तरफ सिम दिखेगा, ऊपर नीचे दोनों दिखेगा। तो यहाँ ऑपरेटर नेम देख लीजिएगा, अगर आपका सिम डुअल है तो वहाँ पे ऑपरेटर नेम Jio 4G होगा, और अगर आपने एयरसेल को सेकेंडरी लगाया तो एयरसेल होगा, या फिर जो भी ऑपरेटर होगा वहाँ पे आपको ऑपरेटर नेम दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट है उसी को रखना है। उसके बाद आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना है, नंबर जो आपने हमने दिया है नीचे कॉल करना है, वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश पूछेगा, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद उससे पूछेगा आपके कस्टमर के एयरसेल के कस्टमर, तो आपको यस कर देना है, मतलब 1 दबा देना। उसके बाद तुरंत आपको ऑप्शन देगा कि अपने एयरसेल नंबर का UPC जनरेट करने के लिए 1 प्रेस करें। तो जैसे आप 1 प्रेस करेंगे, आपको अपना एयरसेल का नंबर इंटर करना होगा, आपको कोई डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ आपको एयरसेल का अपना नंबर बताना होगा उन्हें 10 नंबर को। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि अपने सिम के लास्ट की 5 डिजिट इंटर करिए। तो जैसे आप सिम की 5 डिजिट इंटर करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत ही थोड़ी देर में UPSC कोड बता दिया जाएगा। तो UPSC कोड जो होगा वो हमेशा DU से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ की वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, तो ये आपको हम बता रहे हैं DE से स्टार्ट होती है। अगर आप UP बेस्ट में है DE होगा, UP बेस्ट का होगा तो DW होगा, अदर सर्किल का होगा जैसे कर्नाटका का होगा तो K होगा, अगर गुजरात का होगा G होगा, इसी तरह आपको जिस भी स्टेट के होंगे उसी स्टेट के शुरू का एक एयरसेल का डी रहेगा और लास्ट का स्टेट का नंबर होगा जहाँ का भी होगा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद UPSC कोड आपको टोटल अगर नंबर को छोड़ दिया जाए, मतलब न्यूमेरिकल को, जैसे हो गया DE हो गया, UPS का मान लिया DE हो गया, उसके बाद आपको 6 नंबर का कोड रहेगा, उसके बाद आपको इस कोड को लेके जाना है किसी भी कंपनी में, आप जाके आसानी से पोर्ट करा लें। तो पोर्ट कराने का शुल्क जो है एयरटेल में लगभग 70 रुपये लगेगा आपको, लगभग 50 रुपये का यह फारसी करते हैं वो लोग, मतलब फर्स्ट रिचार्ज, और 20 रुपये पोर्टिंग का शुल्क लेते हैं। वैसे पोर्टिंग का शुल्क सिर्फ 6 रुपये हो गया है, पर अभी भी वो 20 रुपये लेते हैं, कहते हैं कि हमें अभी ऑफिशियली कोई बताया नहीं गया कि पोर्ट कोड हो गया। तो आप अपने अनुसार कम से कम में पोर्ट करा दिए, बाद में अपने सुविधा अनुसार आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप जियो में भी करा सकते हैं, एयरसेल में भी करा सकते हैं, और एयरटेल में भी करा सकते हैं, वोडाफोन, आइडिया, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। एक बार आपको कोड मिल जाए, कोड मिलने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, कोड मिलने के सिर्फ 15 दिन तक ही वैलिड रहता है। तो अगर आप 15 दिन के अंदर वैलिड कोड को यूज नहीं कर पाते तो वो कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस देंगे तो 5 दिन लगभग प्रोसेस होता है, 5 दिन के अंदर आपका नंबर पोर्ट होता है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ पे जब आप कोड बताएंगे तो उनको बताना पड़ेगा आपने किस दिन को जनरेट किया था कोड, क्योंकि उस हिसाब से जोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका नंबर आसानी से पोर्ट हो जाएगा। बस बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, आगे शायद एयरसेल कोई स्कीम लाए जिससे आपका जो भी बैलेंस होगा आपको नए वाले ऑपरेटर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर फिलहाल के लिए अभी आपका जो भी बैलेंस होगा, टैरिफ होगा, डाटा बैलेंस होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बस आपका सिंपल नया सा नंबर मिलेगा आपको बस। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।